हेलो नमस्ते खम्मा गणी, सामने की तरफ आपको दिख रही है अपनी कीवे SR125 और आज अपन करने वाले हैं इसका रिव्यू। तो चालू करते हैं, सबसे पहले अपन एक ओवरव्यू देंगे और फिर फाइनल वर्डिक्ट दूंगा कि आज की तारीख में ये गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए या फिर करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज। सबसे पहले अपने को देखने को मिल जाएंगे इसके हेडलैम्प यूनिट। तो हेडलैम्प यूनिट में अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा आपको LED स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और बीच में हैलोजन हेडलैम्प देखने को मिलेंगे। बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं। टर्न इंडिकेटर इतने छोटे छोटे से हैं लेकिन फिर भी बहुत ही प्यारे लगे मेरे को, क्योंकि यार एक जो है अलग से टर्न इंडिकेटर है, अभी तक किसी भी बाइक में अपने ऐसे टर्न इंडिकेटर नहीं देखे। नीचे की तरफ आएंगे टायर, जो कि एक यूनिक चीज या फिर USP दिखती है गाड़ी की, लेकिन ये USP काम की नहीं है क्योंकि पिकअप जो है काफी हद तक ये टॉलरेट करना पड़ता है आपको, तो वो USP काम की नहीं है, लेकिन लुकिंग वाइज USP बहुत ज्यादा काम की है। तो यहां पे जो अपना टायर है, यहां पे आप देख लीजिए किस तरह का अपने को टायर देखने को मिल रहा है। बहुत ही अलग सी लुकिंग है टायर की, और एक तरह से अपन जो ट्रैक्टर स्टाइल टायर होते हैं वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। और टायर का डायमेंशन की अगर अपन बात करें तो वो नीचे की तरफ आप देख सकते हो वो है 1070R17, मतलब 17 इंच देखने को मिल रहा है स्पोक, और सेम जो डायमेंशन है वो आपको रियर में देखने को मिलेगा। तो आगे और पीछे के टायर आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, वहां कोई फर्क नहीं देखने को मिलता है। और बात करें यहाँ पे, आप देख लीजिए गाड़ी साइड प्रोफाइल से किस तरह से देखने को मिलती है। साइड प्रोफाइल से एकदम ही अलग दिखेगी गाड़ी, वो बात अपने को कहनी पड़ेगी। एक बार जब आप इस गाड़ी को साइड से देखोगे तो आपको लगेगा कि नई वाली RX 100 आ गई है, तो उस तरह की कुछ लुकिंग है। सीट की बात करें तो एक्सट्रीमली कम्फर्टेबल सीट दिखती है। सीट आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार, तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार सीट को, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट देखने को मिलेगी। सीट में मेरे को कंफर्ट लेवल में कहीं भी दिक्कत नहीं आई, और रियर पैसेंजर के लिए कंफर्ट लेवल और बढ़ जाता है। बट एक दिक्कत आती है रियर पैसेंजर के लिए, वो ये है कि पिलन में जो भी राइडर बैठेगा तो पिलन राइडर के लिए कोई भी ग्रैब हैंडल नहीं है, मतलब नीचे से यहाँ पे ग्रैब कर लेगा लेकिन ऊपर जो जब अपन आएंगे गाड़ी में तो वो उसको ऐसा लगेगा कि वो गिरने वाला है, तो वो वाला सिनेरियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा बहुत कम वैल्यूएबल लगा मेरे को। और फ्रंट में अपने को टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन देखने को मिलता है। इंजन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे का पूरा इसका इंजन। तो यहाँ पे कीवे का अपने को इंजन देखने को मिलेगा, 125cc का इंजन देखने को मिलेगा, और कितनी पावर टॉर्क डायमेंशन बनाता है वो स्क्रीन में लिखा हुआ दिख रहा है, वो चीज आप देख लीजिए। फ्यूल टैंक की अगर अपन बात करें तो इसकी अर्गोनॉमिक्स कुछ अलग सी लगती है, मतलब प्रॉपर RX 100 जैसी लगती है। गाड़ी में बैठता हूँ और आपको दिखाता हूँ फ्यूल टैंक। तो यहाँ बैठ चुका हूँ गाड़ी में, आप देख लीजिए, मतलब एक जो RX 100 वाला फ्यूल टैंक आता था वैसा कुछ आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, वो चीज़ है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप बेसिकली फ्यूल टैंक को अगर आपको रिफिल कराना है तो आप वो यहाँ से करा सकते हो, वो चीज़ है। और यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाएगा इसकी ट्रिप। तो यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा का पूरा अपने को डिजिटल देखने को मिलेगा, ये स्पीडोमीटर एज वेल एज RPM मीटर, तो वो बहुत ही बेहतरीन बात हो जाती है। डिजिटल स्पीडोमीटर जो है आपको एक कॉन्फिडेंस देगा जब भी आप गाड़ी को ड्राइव इन करोगे, और एक्यूरेसी वगैरह में काफ़ी हद तक अच्छा है। यहाँ पे सारे इंडिकेशंस भी देखने को मिलते हैं। बंद करके चालू करता हूँ तो देख लीजिए कितने सारे इंडिकेशन देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन के अंदर। मतलब RX 100 एक नए जमाने की अपन कह सकते हैं पूरे बेहतरीन बैडास लुक के साथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक चीज़ जो कि बेहतरीन गाड़ी के अंदर वो ये है कि आपको पार्किंग स्विच देखने को मिल रहा है इतने कम प्राइस सेगमेंट की गाड़ी में, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको हॉर्न साउंड देखने को मिलेगा, हॉर्न आउटपुट सुनाता हूँ, तो इस तरह का हॉर्न आउटपुट है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर के स्विचेस, और यहाँ पे अपने को बेसिकली हाई बीम का स्विच, और यहाँ पे लाइट का लो बीम हाई बीम का आपको यहाँ स्विच देखने को मिलेगा। इंजन का इग्निशन के स्विच इस साइड में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे अपने को क्लच यहाँ पे अपने को शेल्फ देखने को मिलेगा गाड़ी के अंदर, वो भी बेहतरीन चीज़ है। ऊपर की तरफ अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने को बेसिकली है ना ब्रेक ऑयल देखने को मिलेगा, लेकिन यार जो प्लेसमेंट है ना ब्रेक ऑयल की और जिस तरह से यहाँ पे लगाया है ब्रेक ऑयल, बहुत ही बेहतरीन लगता है। एक लगता है कि अच्छी जगह यहाँ पे ब्रेक ऑयल इन्होंने प्लेस कर दिया है। ORVM की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह के अपने को देखने को मिलते हैं, बहुत ही अच्छे रिजिड बिल्ड इन क्वालिटी फिट एंड फिनिश के साथ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी अपने को नहीं लगता बिल्ड क्वालिटी या फिर फिट एंड फिनिश में इन्होंने कुछ कॉम्प्रोमाइज करा है। बिल्ड क्वालिटी की बात मैं बाद में करूंगा, तब आपको मैं बताऊंगा सारे कंपोनेंट किस तरह से बिल्ड क्वालिटी अपने को देते हैं। अदरवाइज इसकी लुकिंग एक बार अपन बात कर लेते हैं रियर प्रोफाइल में से भी। तो रियर प्रोफाइल में आप देख लीजिए टर्न इंडिकेटर इसके चालू होते हुए आपको दिख रहे हैं, किस तरह से दिख रहे टर्न इंडिकेटर वो देख सकते हो। और टेल लैम्प जो है छोटा सा है लेकिन कम्प्लीटली LED टेल लैम्प है, जो कि फिर से अच्छा लगता है। और टायर्स एकदम सेम टू सेम जो आगे की तरफ थे। और एग्जॉस्ट यूनिट वगैरह जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, तो एग्जॉस्ट यूनिट वगैरह जो है इसकी बहुत ही छोटी सी देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली बात है 125cc की बाइक है तो कितनी ही बड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी एक छोटी सी एग्जॉस्ट यूनिट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और इतनी छोटी बाइक में होने के बावजूद यहाँ पे आपको फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, वो एक बेहतरीन चीज़ है। यहाँ पे रियर में देख सकते हो आप डिस्क ब्रेक, एक आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, एक और डिस्क ब्रेक की अगर अपन बात करें तो वो आपको यहाँ इस तरफ देख जाएगा। तो दो डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल रहे हैं, और SR125 की आपको यहाँ पे बैजिंग देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में कि कैसे कैसे कंपोनेंट अपने को गाड़ी में देखने को मिलते हैं। तो चालू करेंगे एक एक कंपोनेंट के साथ। सबसे पहले ये कंपोनेंट की बात करते हैं,
कंप्लीटली मेटल का देखने को मिलेगा। फ्रंट में मडगार्ड की बात करते हैं, ये भी आपको मेटल में देखने को मिल रहा है। और दूसरे और कंपोनेंट की बात करते हैं, साइड के कंपोनेंट देख लेते हैं। तो यार ये वाला जो पूरा कंपोनेंट है, तो ये भी अच्छी बिल्डिंग क्वालिटी के अंदर है, कंप्लीट मेटल नहीं कहूंगा लेकिन फिर भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। एकदम वो फाइबर वाला मामला है वो नहीं यूज करा इन्होंने। और रियर में ये चीज देख लीजिए आप, मतलब कि हर तरफ थोड़ा बहुत लोहा है, तो बिल्ड इन क्वालिटी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली गाड़ी के अंदर, ये बेहतरीन चीज है। तो वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और तो और गाड़ी का एक बार आपको व्हील बेस सेटिंग हाइट वगैरह जो है, जितने दूसरे जो डायमेंशन है वो स्क्रीन में लिखे हुए दिख रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या डायमेंशन देखने को मिल रहे हैं। माइलेज या फिर दूसरे पैरामीटर्स की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे अपने को जो माइलेज देखने को मिलेगा, जो कि मेरे को लगता है वो है 40-45 के अराउंड आपको इजी ग्लो में गो में माइलेज देखने को मिलेगा सिटीज़ के अंदर। और अगर बात करें प्राइस सेगमेंट की, तो ये मोटा मोटा 1,40,000 तक पहुँच जाती है। तो वो ये 19 एक्सशोरूम प्राइस है, RTO इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके 1,40 तक पहुँचती है। तो प्राइस हल्की सी मेरे को ओवर प्राइस लगी, थोड़ी सी ये अंडर प्राइस बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब लाख के अंदर के करीब ऑन रोड प्रोवाइड करते थे, देन वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है ये 125cc सेगमेंट पे। करें अगर अपन कीवे SR 125 की राइड की, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतरीन राइड नहीं देखने को मिलती है। मेनली इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा आपको लैगी देखने को मिलेगी। 125cc सेगमेंट की अगर आप कोई भी बाइक से कंपेयर करोगे, तो परफॉर्मेंस वाइज ये आपको लैगी देखने को ही मिलेगी। पिकअप में आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छी जनरेट नहीं हो पा रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके इंजन के साथ कोई ऐसा इफेक्ट वगैरह हो, मेरे को जो मेनली रीज़न लगा इसके पिकअप कम आने का वो है इसके टायर्स। अगर यहाँ पे ट्रैक्टर्स टायर की जगह दूसरे कोई भी टायर दे देते कंपनी, तो डेफिनेटली एक ज़्यादा अच्छा यहाँ पे मोशन मिलता है बाइक को। द थिंग इज यहाँ पे जो टायर्स है वो फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो गाड़ी है वो इतना अच्छा पिकअप नहीं ले पाती है। अदरवाइज सस्पेंशन एंड ऑल में अगर अपन बात करें, तो सेम टू सेम RS 100 अगर आप चला रहे हो वैसा ही सस्पेंशन आएगा, वैसी ही फील आएगी आपको। और तो और इंजन साउंड जो है वो भी एक अलग सा इंजन साउंड है, जो कि साउंड करने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता लेकिन ख़राब भी नहीं लगता, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज गाड़ी जो है डिजिटली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। जब आप इसका डिजिटल स्पीडोमीटर देखोगे, RPM मीटर देखोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ यार बहुत ही एडवांस गाड़ी चला रहा हूँ। यहाँ पे अगर अपन इसके कोई भी स्विच क्वालिटी वगैरह की बात करें, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि स्विच की क्वालिटी हो गई या फिर किसी और चीज़ की क्वालिटी हो गई तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। फ्रंट और रियर ब्रेकिंग की अगर अपन बात करें, तो फ्रंट टायर एज वेल एज रियर टायर बहुत ही अच्छे से ब्रेकअप कर लेता है गाड़ी, मेनली बिकॉज ऑफ द डिस्क। और यहाँ पे छोटी गाड़ी होने के बाद भी डिस्क है, तो फिर आपको एक ब्रेक में एड ऑन एडवांटेज मिल जाएगा कि सारे सेगमेंट में किसी से भी कंपेयर करो तो। अब दोस्तों आ चुके हैं अपन फाइनल वर्डिट में कि आज की तारीख में ये गाड़ी मेरे को खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। तो आ जाते हैं वाइड एंगल लेंस में और आपको दिखाते हैं पूरा का पूरा लुक। तो यहाँ पे जब आप देखोगे, तो यार एक बहुत ही प्रोपोर्शनेट सी गाड़ी देखने को मिलेगी। डिजिटल वगैरह यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है, स्पीडोमीटर इसका, सारे के सारे फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस गाड़ी में एक चीज़ में लैक करती है, वो है इसके परफॉर्मेंस। मतलब परफॉर्मेंस थोड़ी आपको कम देखने को मिलेगी एज कम्पेयर विद दूसरी जो भी इसके कॉम्पिटिटर आता है। लेकिन लुक में ये गाड़ी जो है वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट देखने को मिलेगी। मतलब कि यार ऐसे हेडलैम्प कहाँ देखने को मिलेंगे जो रेट्रो स्टाइल में देखने को मिले। रेट्रो में थोड़ा डिजिटल टच डाला है। लुकिंग में मैं अगर इसको नंबर देने जाऊँगा, तो 100 में से 100 नंबर दे दूंगा, लेकिन परफॉर्मेंस में नंबर देने जाऊँगा तो मैं 60 दूंगा 100 में से, मतलब 60 out of 100। तो वो वाला सिनेरियो है। तो परफॉर्मेंस में ये इतना ज़्यादा लैक करती है, लेकिन लुकिंग में हर तरफ से एकदम बेस्ट देखने को मिलेगी। तो आप पे है, आपको अगर लुकिंग बहुत पसंद है देन गो फॉर दिस प्रोडक्ट, अगर आपको परफॉर्मेंस पसंद है देन डोंट गो फॉर दिस प्रोडक्ट।